आज की वीडियो हमारी आलेखन ड्राइंग के ऊपर है, हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। मायसेल्फ हिमानी शर्मा, और न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए और साथ ही ऑल को भी प्रेस कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज की ड्राइंग हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। आज हम रेक्टेंगल में एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो पहले एक रेक्टेंगल की ड्राइंग करेंगे जिसके लिए हमने बेस लाइन 6 इंचेस की ली है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस की लाइन को ड्रॉ कर लिया है और साइड लाइन्स हम 4 इंचेस की लेंगे, तो यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो 6x4 इंचेस का बनेगा। तो अब हम 4 इंचेस की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इसी के सामने वाली लाइन भी हमारी 4 इंचेस की होगी, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और अगेन जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी हमें 6 इंचेस का ही ड्रॉ करना है। तो आमने सामने की लाइन सेम इंचेस में रहेंगी, 6 इंचेस एंड 4 इंचेस। रेक्टेंगल हमारा पूरा ड्रॉ हो गया है, अब हमें स्टार्ट करना है डिजाइन। तो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए हम पहले एक छोटी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसी के ऊपर एक बड़ा सा कमल का फूल बनाएंगे। ज्यादातर हाई स्कूल में कमल के फूल का डिजाइन ही बनाने के लिए आता है आलेखन, कमल के फूल के और पत्तों के साथ, तो हम इसीलिए ज्यादातर डिजाइन कमल के फूल का ही बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रेक्टेंगल में डिजाइन, ज्यादातर एग्जाम में जरूर आता है। पहली लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी के साथ हम दूसरी लाइन कमल के फूल के पीछे से बड़ी करते हुए लेके जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा जो भी हम डंडी बना रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट खड़ी नहीं करनी है, हल्का सा कर्व उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो अगर बहुत अच्छे से हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा डिज़ाइन भी उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन के आएगा। थर्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी हम थोड़ी गोलाई में करेंगे, और वो जो नीचे हमने छोटी वाली डंडी बनाई थी उसी के साथ निकालते हुए हमें इन डंडियों को बनाना है। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में एक डंडी को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन चारों तरफ से कवर हो जाए। एक और डंडी हमें निकालनी है इसी तरफ से, तो यहाँ पर हमने एक और घुमाव देते हुए डंडी को बना लिया और नीचे छोटी वाली डंडी के पास देखिए कितनी सारी लाइंस आ गई हैं और सब में हल्का हल्का सा कर्व भी है। अब जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इस पर हम कुछ पत्ते बनाएंगे और कुछ कलियाँ बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ एक पत्ता बना लेते हैं और नीचे की लाइन को कम्प्लीट कर लेते हैं। छोटी छोटी डंडी और पत्ते बनाकर और कलियां बनाकर हमें एरिया को कवर करना होता है, इससे क्या हमारा जो एरिया है वो कवर भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा, और जो एरिया खाली खाली लगता है वो भी फिल हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा हमें डिज़ाइन को नहीं बढ़ना है, तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही हमें डिज़ाइन को फिलअप करना चाहिए। कि जहाँ पर हमें थोड़ा सा एरिया मिलता है कि हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करें छोटा फूल या कली, तो ही हमें वहाँ पर उसको ड्रॉ करना चाहिए। तो अब हम इस वाली साइड पर एक और छोटा सा फूल भी कह सकते हैं आप इसको, या कली भी कह सकते हैं, तो कली या फूल आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर वाली साइड एक पत्ते की जगह और मिल गई है। साइड डंडी को हमें ये छोटी छोटी डंडियाँ बना के ना इसको कंप्लीट करना चाहिए, इससे क्या डिज़ाइन में कलर करने के बाद ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। एक पत्ता हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी हम एक पत्ता ड्रॉ कर लेते हैं। हर एक पत्ता कोशिश कीजिए अलग अलग डिज़ाइन का ड्रॉ हो, और इस पत्ते के नीचे से एक डंडी और निकाली और यहाँ पर हम इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं। अब हमारा रेक्टेंगल का ऑलमोस्ट पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है, सारा एरिया हमने कवर कर लिया है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं भरा है और बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कली बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा सा खाली लग रहा है वाला पोर्शन, तो जो हमने छोटी कली बनाई थी इसको इरेज करके हम कली की शेप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उससे क्या है कली भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी और स्पेस भी फिल हो जाएगा। अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो आज का आलेखन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अभी लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कम ऑन गाइज प्लीज़ 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल डिज़ाइन का कलर करेंगे, तो तब तक के लिए आप ये डिज़ाइन ड्रॉ करके रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।